नमस्ते दोस्तों, सुनीता विलेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोला भटूरा। इसके लिए हम आपको कुछ मसाले दिखा देते हैं। लाल मिर्च, अदरक, दो टमाटर, तीन मीडियम साइज़ के प्याज, हरी मिर्च, अदरक, दही हमने मार्केट से लिया है, आप अपने घर का दही यूज कर सकते हैं, धनिया पाउडर, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, तेज़पत्ता, मिर्च, मीठा सोडा। अब हम अपने चने जो 5-6 घंटे भिगो कर रखे थे उनको कुकर में धो के डालेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। जब तक हमारे चने उबल रहे हैं तब तक हम मैदे को गूंद कर तैयार कर लेते हैं। इसमें डालेंगे मीठा इनो, उसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे, दही को अच्छी तरह से मिलाएंगे। दही को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मुलायम सा डो तैयार करेंगे। मैदे को गूंद लिया है। इधर हम प्याज को सिलबट्टे पर पीसेंगे ग्रेवी के लिए। प्याज को हमने पीस लिया है। अब हम टमाटर को पीसेंगे। टमाटर को पीस कर हम एक बर्तन में रख लेंगे। इधर हमारे प्रेशर कुकर में सीटी आ रही है। अब हमने कढ़ाई को साफ करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, जीरा, लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। अब हम इसमें भीगा हुआ प्याज डालेंगे, इसको अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डालेंगे, इसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर, इसको भी पकाएंगे। अब हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। इधर हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिलाएंगे और पकाएंगे। मसाले हमारी अच्छे तरह से पक चुके हैं, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें उबाले हुए चने ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे। आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं छोला हमारी अच्छी तरह से उबल रहा है। अब हम इसमें हरे धनिया की पत्ती डालेंगे और इसको मिला देंगे। छोले हमारे बन चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे।
इसको दूसरे बर्तन में रख के कढ़ाई को साफ़ कर लिया है, चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें रिफाइंड तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम इधर मैदे को गूंद लेते हैं। मैदा हमारी अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अब हम बनाएंगे भटूरे। आप लोग देख सकते हैं मैदा हमारा बहुत अच्छा फूला है, छोटी छोटी लोई बना के हम बेलेंगे। रिफाइंड तेल लगाएंगे लोई में, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे भटूरा। आप लोग देख सकते हैं भटूरा हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है, अब हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा भटूरा भी बनाएंगे। हमारे छोले और भटूरे बनकर तैयार हैं। हमने छोला भटूरा और सलाद बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है छोले में। आप लोग अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप लोग देख सकते हैं हमारा भटूरा कितना मुलायम बना हुआ है।